छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मिक्स मार्शल आर्ट्स अबू धाबी में बस्तर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। जगदलपुर के मुख्य डाकघर के सामने ग्रामीण डाक कर्मचारियों का एक दिन का हुआ हड़ताल। जमीन विवाद के कारण भतीजे ने की चाचा की हत्या। महारा समाज का आरक्षण बिल पास होने पर दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर सभी ने खुशी जाहिर की। अब खबरें विस्तार से। IMF यूथ चैंपियनशिप जो कि अबू धाबी में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत से 16 खिलाड़ियों का दल गया था, जिसमें से बस्तर के 3 खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाते हुए मेडल प्राप्त किया। मेडल प्राप्त खिलाड़ियों ने बताया कि भिलाई में 1 माह की ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेडल प्राप्त किया। आपको बता दें कि 16 सदस्यों दल में बस्तर के इन 3 खिलाड़ियों को ही मेडल प्राप्त हुआ, जो कि बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। विश्व के 40 देश के प्रतियोगियों ने खेल में हिस्सा लिया था। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने इन खिलाड़ियों के आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन को इनके ट्रेनिंग सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए सहयोग की बात कही है। बस्तर के बच्चे अब हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा, कौशल और बुद्धि का परिचय दे चुके हैं। बस्तर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उनमें काबिलियत है, बस उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग और तराशने की दरकार है। और भी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर मेडल प्राप्त कर सकते हैं। आज इन खिलाड़ियों का सभी ने उत्साहवर्धन किया एवं फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया। मैं इंडिया की रिप्रेजेंट करने यूएस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अबू धाबी गई थी, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मैंने बहुत ग्रामीण डाक पदाधिकारियों ने बताया कि आजाद भारत में भारत शासक द्वारा डाक विभाग के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को भारत सरकार डाक विभाग द्वारा बधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाते हुए 65 वर्ष की उम्र तक सेवा लेने के पश्चात डाक विभाग रियासत करते हुए भीख मांगकर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत शासन सन 2016 में 7वें वेतन के अनुसार ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री कैबिनेट के अध्यक्ष के अनुसार कमलेश कमेटी बनाया गया, परंतु दुर्भाग्यवश ग्रामीण जनों के साथ अन्याय करते हुए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहने वाले प्रधानमंत्री कैबिनेट के मध्य रहते हुए कमलेश चंद्र कमेटी की अनुशंसा को सभी प्रकार से नकारते हुए अपने मन के द्वारा रिपोर्ट लागू कर दिया गया। लगातार 5 वर्षों से ग्रामीण डाक सेवकों को अपनी जायज मांगों, पेंशन, ग्रेज्युटी एवं विभागीय वर्ग के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करना पड़ रहा है। डाक विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार डाक विभाग की मांगे पूर्ण नहीं करती है तो माह अक्टूबर से हम सभी कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संचार मंत्री होश में आओ। हमारी मांगे ये है कि हमको जो है नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए, साथ में हमको पेंशन भी दिया जाए। हम सरकार जो है हमको पूरे जीवन हम काम करने के बाद जो है भीख मांगने की स्थिति में यदि आ रहे तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम डाक विभाग के कर्मचारी होते हुए हमारी स्थिति अंत में ऐसी हो रही है कि बहुत ही शर्मनाक बात है।
और जो है प्रशासन यदि हमारी बातों को नहीं मानेगी, सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना में चले जाएंगे। आज जो हमारी मुख्य उद्देश्य जो धरना है, धरना का जो मुख्य उद्देश्य है, हम आज़ाद भारत में ग्रामीण डाक सेवक जो कर्मचारी हैं वो 65 साल सेवा देने के बाद भी उनको बीमारी दर्जा नहीं दी जाती है और ना ही उनकी पेंशन की सुविधा है। जब 65 साल सेवा कर होने के बाद ग्रामीण डाक सेवक जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनकी जो उम्र ख़त्म हो जाए रहती है, उस समय दर दर भीख मांग के उनको जीवन जीना पड़ता है। भारत शासन द्वारा जो है हमें इतना शोषण और अत्याचार करके जो है रिटायर कर देता है। कुछ रुपए ग्रेजुएटी के नाम से 1.5 लाख रुपए दे देता है और रिटायर कर देता है। आज जो है हम विभागीय दर्जा पाने के लिए, पेंशन हक पाने के लिए जो है हम आज यहाँ पे एकत्रित होकर के भारत सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाला समय में अगर हमको पेंशन और विभागीय दर्जा नहीं देती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और विभाग हमें जो है ग्रामीण डाक से उनको रीढ़ की हड्डी मानती है, काम के लिए हम चाहे SB, RD, RPLI, सुकन्या और IPB, आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हम 80% गांव में रह के जो है विभाग को हम फायदा पहुंचाते हैं। साकिन सिलक जोड़ी पटेल पारा तथा टक्का पोयामी दोनों सगे भाई हैं। टक्का पोयामी की मृत्यु हो चुकी है। दोनों भाइयों के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका था, परंतु गांव के पहाड़ के किनारे स्थित जमीन जिसमें हरमो पोयामी का कब्जा कास्त था, उक्त जमीन को टक्का का बेटा बामन पोयामी मेरे हिस्से की जमीन है कहकर करीब 4 से 5 सालों से विवाद कर रहा था। 10 अगस्त 2023 को बीती रात मृतक हरमो पोयामी अपने घर के सामने खाट पर सोया था कि रात करीब 1 बजे बामन पोयामी ने एक लोहे की धारदार चाकू लेकर आया तथा खाट में सो रहे हरमो को आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर चाकू से गले के सामने वार कर हत्या कर दिया। प्रांतीय लकमू कश्यप ग्राम पटेल सिलक जोड़ी की रिपोर्ट पर थाना कोड़ेनार में अपराध क्रमांक 63/2023 धारा 302 भारतीय दंड विधान संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बामन पोयामी की तलाश कर अभिरक्षा में लेकर आरोपी द्वारा अपराध कबूल करने पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की धारदार चाकू को जब्त कर 10 अगस्त 2023 को 3:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। महारा समाज का आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में पास होने पर महारा समाज बस्तर संभाग के सदस्यों द्वारा दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर मिठाई बांटकर एवं आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष विनय सोना ने कहा, SC में प्रस्ताव भेजने के लिए कवासी लकमा बस्तर सांसद दीपक बैज का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहा कि आरक्षण देने का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में कार्य कराने भाजपा के नेताओं में डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, संतोष पांडे, शुभाव कश्यप, महेश गागड़ा, केदार कश्यप, संतोष बाफना का विशेष सहयोग रहा। इन सभी के सहयोग के बिना आरक्षण मिलना संभव नहीं था। भाजपा छत्तीसगढ़ के नेताओं सहित केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया। महारा समाज के संभाग अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में समाज में सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वर्षों की पुरानी मांग थी और पहले जो MP शासन थे उतना समय हम लोग को राजस्थायित्व भी मिला करता था और ये राजपत्र हम लोग का नहीं था। और जब मध्य प्रदेश शासन में 2002 में जब बजट में आई तो हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हो गए थे, तो यहाँ का जो सर्वे वाला वहाँ पे लागू हो गया था, तो कहीं भूल चूक हो गई थी। लेकिन आज के दिनांक में राजपत्र में कुछ दिनों के बाद आ जाएगा तो संभवतः से भी समाज में उसका लाभ मिलेगा और इसमें हम सरकार को बधाई देते हैं और सभी जितने भी हमारे जो समाजकर्मी हैं जो इसको भली भांति एक ही रूप ले के इसको आगे लाए, तो इसमें समाज की बहुत अच्छी भागीदारी है। खास करके बस्तर संभाग में जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का प्रतिशत है वो 2 या 3% है, उसको भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इस प्रतिशत को भी यहाँ से बढ़ाया जाए। तो इसमें ये बात है कि प्रमुख रूप से हमारे जो इस आरक्षण में जो है प्रमुख रूप से जो अगर हम
कांग्रेस पार्टी का बात करें तो दो लोग जो हैं हमारे इस राज्य सरकार में जो कुत्ता भिजवाई है उसमें माननीय मंत्री कवासी लखमा जी और दीपक सांसद जो बैच जी हैं वो किए, लेकिन प्रमुखतः रूप से जो कार्य हुआ है क्योंकि ये सेंट्रल का मामला था जिसमें जो हमारे भाजपा के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे वो केदार कश्यप जी हों, महेश जागला जी हों, सुपौल दक्षिण जी हों, संतोष बापना जी हों, जितने भी प्रतिनिधि हैं हम लोग को काफ़ी सहयोग किया और ऊपर में जो हैं अमित शाह जी हैं उनका प्रमुख रूप से संतोष पांडे जी हैं, रमन सिंह जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है हम लोग के इस आरक्षण में। बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय निर्देश अनुसार 10 अगस्त से ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। 10 अगस्त से ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की गई। संघ अध्यक्ष देवराज खुंटे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 4.5 साल से सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन एवं कमेटी गठन के उपरांत भी आज भी हमारी मांग पूरी ना होने के कारण आज एक बार फिर फेडरेशन हड़ताल में उतरने पर मजबूर हुआ है। हमारी एक सूत्रीय मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करना, क्रमोन्नत वेतनमान एवं ओल्ड पेंशन की पात्रता 20 वर्ष करने को लेकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसमें ब्लॉकों में शिक्षक साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन की है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, जिससे सभी शिक्षक अपनी शालाओं की ओर वापस लौटेंगे। आवाज दो आवाज दो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेक्टर विजय दयाराम के ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों सहित विशेषकर महिला मतदाताओं को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलवाई। जिले में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला कार्यालय के परिसर में कलेक्टोरेट और संयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी ने मतदान करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ एवं नोडल स्वीप कार्यक्रम प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, एसडीएम नंद चौबे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे। 9 अगस्त 2023 को जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर आ रही गुप्ता ट्रेवल्स यात्री बस क्रमांक OD10D8293 में 3 आदमी बैठे हैं, जो अपने संयुक्त आधिपत्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने उद्देश्य से उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। की सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH63 मेन रोड में नाकाबंदी कर गुप्ता ट्रेवल्स की यात्री बस को रोककर चेक करने पर मुखबिर के बताए हुलिये के व्यक्ति बैठा मिला। नाम पता पूछने पर अपना नाम, पहला विवेक सिंह पिता इंद्रभान सिंह उम्र 28 वर्ष, दूसरा दया गया बाघ पिता धार्मिक बाघ उम्र 40 वर्ष, तीसरा नरेश मेहर पिता विश्वामित्र मेहर उम्र 25 वर्ष बताया, जिनके संयुक्त आधिपत्य से कुल 20 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जिसकी कीमत 2,05,000 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में अपराध क्रमांक 144/2023 धारा 20 NDPS एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। शहर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने छात्र छात्राओं को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलवाई। कार्यक्रम दोपहर बाद स्कूल प्रांगण में आयोजित किया गया था। उन्होंने छात्र छात्राओं को आवश्यक एहतियात बरतने भी कहा। जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की आदिवासी क्षेत्र के लिए महत्ता बताने के साथ उन्हें बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में आने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान CMHO डॉक्टर आर के चतुर्वेदी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सी मैत्री, एल्डरमैन सुरेंद्र झा, प्राचार्य मनीषा खत्री, सुचित्रा सामंत, नीति नेताम समेत स्कूल व चिकित्सा विभाग के स्टाफ तथा छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।